वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा जो सेशन है वो डायनेमिक राउटिंग का एक पार्ट होगा, और हमने जो अपने लास्ट सेशन में देखा था स्टैटिक राउटिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे अपने कैंपस से बाहर कम्युनिकेशन करना है तो फिर मुझे कुछ रूल्स, रेगुलेशन या प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसको हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज संभव हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपका सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता, आप वहाँ जाके पढ़ाई करते, तो पहले दिन जब क्लास में जहाँ पे आप एडमिशन लेते तो क्लास में आपका जो बैच चार्ज या जो भी मैनेजमेंट होता आपसे आके कहता कि भाई ध्यान से दिन आप सभी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि आप आर्मी या मिलिट्री सेक्शन में ज्वाइन किया है तो आपके इंटरमीडिएट में जो भी दोस्त थे या आपके पहले जो भी पुराने दोस्त हैं आपको उन्हें भूल जाना चाहिए, उन्हें आपको अलाउ नहीं है। दूसरी चीज़, घर परिवार से भी आप उतनी ही बात कर पाएंगे जितने हमें परमिशन दी जाएगी, यानी अननेसेसरी आप बाहर की दुनिया से कट जाएंगे, क्योंकि आप देश सेवा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी देश सेवा से संबंधित है तो आप एक सिक्योर है, यानी यू आर बाउंडेड। उसमें एक चीज़ और डिस्कस किया था कि अगर आपको, मान लीजिए गाजियाबाद में मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और आपने यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो गाजियाबाद से अगर आपको दिल्ली जाना भी है तो आप बिना हमारे परमिशन के आप नहीं जा सकते, पहली चीज़। नंबर टू, अगर आप जाना भी पड़ा आपको तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास अलग अलग रास्ते संभव हैं। इसमें मैंने बताया था कि आप मोहन नगर से भी जा सकते हैं, राजनगर एक्सटेंशन से भी जा सकते हैं और NH-24 से भी जा सकते हैं। किस रास्ते से जाना है ये सारे चीज़ें मैं बताऊंगा, आप अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। तो ये बाउंडेड हो जाता है, कम्युनिकेशन में अलाउ तो किया गया लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ, रूल रेगुलेशन के साथ आपको अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप का जो भी एक्टिविटीज होगी वो मैनेजमेंट के या बैच इंचार्ज के नज़र में होगा, आप बिल्कुल ओपनली कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे या मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो किस तरह का अगर प्रोटोकॉल्स हम अपने कैंपस में लगे लोगों के लैपटॉप, कंप्यूटर या जो भी इंटरनेट कर रहे हैं उस पर अगर हम अप्लाई कर दें तो आपका सारा का सारा डाटा कैसे जाएगा, क्या करेगा, वो सारी की सारी रिकॉर्डेबल भी होगी और उस पर मॉनिटरिंग भी होगा, वो फ्रीडम नहीं होगा। और इस तरह का जो प्रोटोकॉल है किस एरिया में यूज़ किया जाता है, अगर कैंट एरिया, लगभग बड़े शहरों में कैंट एरिया होता है, या भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, या देश के जो बॉर्डर हो गए भारत बांग्लादेश के बॉर्डर हो गए, तो ये जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पे इस तरह का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ये तो रही हमारे कल वाले सेशन के बारे में स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कई तरह का होता है, जो हमने आपको सिलेबस आपके की प्रोजेक्ट के हैं तो आप OSPF और RIF, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इस पे आज हम फोकस करेंगे। इसमें से एक राउटिंग प्रोटोकॉल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। और आपके जो सिलेबस में है वो हमने फॉलो किया है RIP, और दूसरा है हमारे पास में OSPF, ठीक है ना? ठीक है, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। RIP का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और OSPF का मतलब होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। अभी आप सब लोग जितने भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सब OSPF पे यूज हो रहा है और RIP पे भी यूज हो रहा है। अब से हमने डिस्कस किया था कि अभी हमने जो क्रिटिकल बना रहे हैं उसमें हमने राउटर लिया हुआ है, एक राउटर ये है, ये दूसरे राउटर से हमने जोड़ा है ये आपके और आपके कैमरे, इसमें तीन नेटवर्क है। नेटवर्क नंबर वन, दिस इज द नेटवर्क नंबर टू, और दिस इज द नेटवर्क नंबर थ्री, ठीक है। इस पे मैंने
स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कल हम लोगों ने किया हुआ है, आज हम फिर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे। होता क्या है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में मैंने बात किया था, तो उसमें ये बोला था ये मिलिट्री लाइक हो गया और वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। अब दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया जहाँ पे हम और आप पढ़ाई करते हैं, इस पे भी रूल रेगुलेशन होते हैं लेकिन वो इतने बाउंडेड नहीं होते हैं कि जैसे कि अब हमने मैं आपके कॉलेज में ज्वाइन किया, आदित्य आपने भी सेम कॉलेज में ज्वाइन किया, मान लेते हैं कि हम दोनों स्टूडेंट हैं और सेम क्लासरूम में हैं, तो मेरे इंटरमीडिएट में मेरे भी 10 दोस्त थे, 10 फ्रेंड्स हैं, आदित्य आपके भी 10 फ्रेंड्स हैं। जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहले हम दोनों आपस में बात किया, हम दोनों की दोस्ती हुई, उसके बाद कुछ समय बाद क्योंकि किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं था तो मैंने अपने 10 दोस्तों को बुलाया कि ना जाओ भाई हमारे यहाँ, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। आदित्य आपने भी बुलाया अपने 10 दोस्तों को और उन दोस्तों को भी आपस में हमने परिचय करा दिया। जो हमारे दोस्त थे उनके भी 10 फ्रेंड हो सकते हैं, उनके भी 10 फ्रेंड हो सकते हैं, तो वो भी आपस में एक दूसरे से परिचय करा दिया। इसमें चूंकि बाउंड्री नहीं थी, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं था, तो एक दूसरे से साइकिल बनती चली गई। और कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि भाई मिलाया तो हमने था, उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। इसमें चूंकि बाउंड्री नहीं, एक दूसरे के पास कोई साइकिल में कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन चैनल आप ही का था, शुरुआत आपने ही करी, लेकिन ये पूरा का पूरा कम्युनिकेट हो गया, राइट। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है वो हम डायनेमिक कहते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं होता, किसी के साथ गहरी दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ कम कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन होगा सभी के साथ में, राइट। ठीक है, अब इसमें से एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, डेट इज द रीप। मैं अब इसके बारे में पहले बताऊंगा क्योंकि अभी पहले हम लोग को सीखना है, बाद में हम लोग SPS भी देखेंगे अगर आप प्रोजेक्ट में इसको कवर करेंगे तो। ठीक है, रीप का प्रयोग नॉर्मली हम लोग अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे नॉर्मली इसलिए यूज करते हैं कि कोई किसी की डेथ हो गई, दुनिया छोड़ के चला गया, तो उसकी आत्मा के शांति के लिए रेस्ट इन पीस बोलते हैं। तो ये जो रीप है बिल्कुल सेम बिहेवियर होता है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये मतलब जाओ भूत बन गए और जैसा चाहो घूम सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं हूँ एज ए बैच इंचार्ज या आर्मी मैन या मैनेजमेंट, मैं इस राउटर को एज ए स्टूडेंट ट्रीट करूँगा और इसको बोलूँगा हे राउटर तुम्हें आज़ाद करूँगा, क्योंकि अभी ये जो राउटर है 3 नंबर से सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 3 नंबर से सीधा जुड़ा हुआ है और 1 नंबर से सीधा जुड़ा हुआ है। तो हम कल जब हम देख रहे थे, जब हम पैकेट यहाँ से हम कोई कम्युनिकेशन भेज रहे थे तो ये आसानी से ये इधर भी जा पा रहा था और यहाँ जो कंप्यूटर उससे भी हम कम्युनिकेशन कर रहे थे तो यहाँ पे भी जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इस कम्युनिकेशन से निकल कर मैं यहाँ जाने की कोशिश करता था तो ये फेल हो जाता था और यहाँ से अगर मैं इस वाले में कम्युनिकेट करूँ तो भी ये फेल हो जाता था, ठीक है ना। तो ये क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं था, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल यूज करता हूँ तो मैं राउटर कहूँगा हे राउटर तुम आज़ाद हुए, तो मैं कमांड फायर करूँगा राउटर रिप, हे राउटर तुम आज़ाद हुए। राउटर कहे ओके मुझे आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी उतनी ही करनी है, ऐसा नहीं कि हम आज़ाद कर दें और अब जाके किसी पाकिस्तानी से, किसी और रशियन से, अमेरिकन से दोस्ती करने लगे, नहीं। आपको अपने ही जो आपका फील्ड है, अपना ही जो ग्रुप है, उन्हीं में दोस्ती और दुश्मनी निभानी है, बाहर की दुनिया में नहीं जाना। तो नेक्स्ट लाइन फायर करूंगा वर्जन 2, अपने जैसे लोगों में ही दोस्ती करनी है। इंडिया में 2 वर्जन यूज होते हैं, वर्जन 1 होता है नॉर्मली वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं और वर्जन 2 जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। मैंने आपको अभी जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है ये वर्जन 2 को सपोर्ट करता है, राइट। ठीक है, अब इसने कहा आजाद हो अपने, अब कौन कौन, तो इसके जो जो नेटवर्क है, अब इसका एक नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो एक नेटवर्क तो ये है 1 नंबर, इसको भी आज़ादी दे सकते हो, दूसरा 3 नंबर, दोनों को दे सकते हो। यहाँ पे और भी होता, सपोज करो और भी राउटर से पोर्ट निकलता है, एक लाइन बन जाता है, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन यानी एक नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए राउटर से 10 पोर्ट निकालते हो, केवल 5 को परमिट देते, तो 5 करता है, 5 बाकी 5 नहीं करता। तो मैं जो भी नेटवर्क है नेक्स्ट लाइन में वही फायर करूंगा, नेटवर्क में 192 यहाँ पे 16 जो भी है, या नेटवर्क 1 अभी यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, और दूसरा जो है नेटवर्क 3 कर देता हूँ। तो ये इधर वाले हिस्से का जो आपका लेफ्ट साइड का है उसकी बात हो जाएगी। इसी तरह से जो राइट साइड है इसमें भी हम
इस राउटर को इंस्ट्रक्शन करेंगे, राउटर रिप, हे राउटर तुम आजाद हुए, यहाँ पे भी राउटर रिप, अपने जैसे लोगों के लिए वर्जन टू, कौन कौन से नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है, एक नेटवर्क के दो, यानी अब बाहर की दुनिया में किस किस से जाके जुड़ रहा है कोई मतलब नहीं, सिर्फ दोनों को मिला दो, बिल्कुल वही जो मैंने अब एग्जाम्पल लिया, हम आपस में दोस्तों को मिलाया, दोस्त किससे और मिल रहा है, क्योंकि उसको फ्रीडम है तो कहीं से भी मिल सकता है, दूसरा नेटवर्क हमारा थ्री, ठीक है, तो ये फिर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो ये रही थ्योरेटिकल बात, अब मैं इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन पे, ये हम लोग इसमें काम कर रहे थे, इसमें पहले से एक नियम लगा हुआ है, हमने जो कल किया था एक नियम लगा, अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजूँ ये तो कम्युनिकेट कर ही रहा है, और स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, इसे चेक करते हैं चल रहा है, ठीक है ना। आप अगर पैकेट यहाँ से लेके यहाँ भेजेंगे, आईपी एड्रेस अलॉटमेंट ऑलरेडी हुआ पड़ा है, सक्सेसफुल हो रहा है, राइट, करके देखिए, यहाँ से यहाँ भेजेंगे सक्सेसफुल हो रहा है, यहाँ से यहाँ भेजेंगे सक्सेसफुल हो रहा है, राइट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है। आप खुद समझदार हैं, अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर आप केवल या तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल एक ही नियम लगा सकते हो, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज वाला या जनरल इंजीनियरिंग, दोनों नियम नहीं लगा सकते। तो मैं इसमें नया नियम लगाना चाह रहा हूँ इसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर, तो पहले मुझे पुराना नियम हटाना पड़ेगा, नहीं होता तो मैं सीधा राउटर रिप वर्जन टू जो भी हमने बातें कही वो यहाँ फायर करते काम हो जाता। तो मुझे अभी एक काम करना है, पहले मुझे इसको हटाना है। तो हटाना बहुत आसान है, राउटर के अंदर कोई चीज हटाना कितना आसान है। सबसे पहले मैं इस राउटर को क्लिक करता हूँ, गो टू द CLI मोड में जाता हूँ, पहले एंटर प्रेस किया, इनेबल, ठीक है ना। अब इसमें क्या करके बनाया होगा, क्योंकि आप में तो हो सकता है कुछ लोगों ने कल किया नहीं है, तो कल हमने इसको बताया था बनाने के लिए, इसमें मेमोरी में अगर पड़ी हो तो मैं दिखाता हूँ, शायद पड़ा हुआ है क्या, कल हमने बनाया ऐसे था स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिस हमने बनाया था IP राउट करके ये हमने बनाया था। तो हटाना भी बहुत आसान है ये, चूंकि सिस्को IOS ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करता है, इसके अंदर एप्पल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एप्पल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत ये है कि कमांड देना और हटाना सिर्फ एक वर्ड का फर्क होता है, नो। जैसे मैंने इसको बनाया IP राउट, अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं, टाइम बच जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा बेसिकली कॉपी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे इस नेटवर्क में है, अगर ये नहीं होता तो मैं डायरेक्टली डायनेमिक राउटिंग यूज कर सकता हूँ, क्योंकि नियम एक ही लगा सकते, और इंडिया के अंदर एक आम पब्लिक है उसको कोई ज़्यादा सिक्योरिटी का फिक्र नहीं है, लोग सोचते हैं आम पब्लिक है एंटरटेनमेंट करेगा, आप समय बदल गया तो आम पब्लिक को भी अब सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत हो गई, तो उस पर बहुत सारे अब सिक्योरिटी के फीचर इम्प्लीमेंटेशन होते जा रहे हैं डे बाई डे साइबर सिक्योरिटी के नाम से, ठीक है। लेकिन अभी तक जितने भी कम्युनिकेशन, अभी जैसे जियो की बात कर लेते हैं या अब जब आया तो सबको OSPF दे रखा है, क्योंकि उसको किस बात की चिंता नहीं है, दो लोग कौन बात कर रहे हैं, क्या है, क्या परेशान है, उनको सिर्फ अभी पैसे से मतलब है, लेकिन अब समय और गवर्नमेंट सबको सख्त होना पड़ा है, क्योंकि सबकी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक आम पब्लिक, जैसे हम लोग अभी इंटरनेट कर रहे हैं, अभी मैं इंटरनेट के द्वारा आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इस समय हमारे और आपका इंटरनेट उतना सिक्योर नहीं है जितना एक नेट बैंकिंग या मिलिट्री वाले कॉन्सेप्ट पे होता है, ठीक है ना, बॉर्डर एरिया में है, ठीक है, लोकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिक्योर नहीं है। अगर कोई चाहे कि इसमें हम बहुत एक्सपर्ट बंदा हो तो हमारी और आपकी बातें को सुन सकता है, रोक सकता है, जूम में क्या है, हम जितने भी कुछ कर रहे हैं ये सिक्योर थोड़ी ना है, सारी की सारी रिकॉर्ड होती है, इसीलिए मैं इन सेशन को रिकॉर्ड करके भी दे देता हूँ। मैंने कहा मैं अगर छुपा लूँ तो बड़ा मैं कोई बहुत बड़ा तीर मार लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप छुपा लोगे, अपने लोगों छुपा लोगे, लेकिन जूम है ऑलरेडी, वो आपके US का सर्वर है, वो सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है, गूगल है सब चीज़ रिकॉर्ड करके रख रहा है, आप भले अपने लिए कहें कि हम कुछ भी कर ले, और आए दिन आप सुनते भी होंगे कि फेसबुक ने डाटा चोरी कर लिया, जूम के साथ भी सिक्योरिटी फीचर के लिए सारे कुछ बोला जा रहा है, ये झगड़ा चल रहा है, अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है, और आप
इसमें बहुत सारे जॉब के ऑफर भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे हटाना है, तब उसके इसमें मैं लिखूंगा हटाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहने आप। अभी जैसे मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये जो राउटर के जो पोर्ट होते हैं, पावर सप्लाई बंद होता है तो आप याद करो, पावर सप्लाई बंद है तो ऑन करने के लिए मैं क्या लिखता था, नो शट डाउन। आपके दिमाग में उल्टा भी आना चाहिए, यार बंद तो ऑन करने का है तो बंद भी करना होगा, तो नो हटा दो, शट डाउन टाइप कर दो। तो सिर्फ नो शब्द का डिफरेंस है। अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ सिंपली नो लिखूंगा, और जिस कमांड से मैंने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया था, मैंने ऐसे बनाया था, मैं फायर कर दूंगा, अपने आप हट जाएगा डू राइट, ठीक है। अब चाहे मैं कितना भी पैकेट अपने घर से निकाल कर, यहाँ से निकाल कर यहाँ भेजूँ, ये फेल होगा क्योंकि अब इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसी तरह इस राउटर के अंदर भी हमें उस प्रोटोकॉल हमने कल बनाया था, क्योंकि दोनों ही हटाना पड़ेगा, इसमें भी हमने बनाया, देखिए आपको दिख रहा होगा अभी भी, बस चीज देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से, मैं टाइप करने से बच रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिख लूँगा, कॉपी कर लिया मैंने, और इसको भी जो कुछ हटेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में हटेगा, कौन सी गए नो टाइप किया, और जो हटाना है उस कमांड को मैंने फायर कर दिया डू राइट। अब दोनों राउटर में किसी भी तरह का प्रोटोकॉल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी आज हमने इस वाले प्रोटोकॉल के बारे में, ये वाला मुझे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो वापस मैं आता हूँ, इस राउटर के अंदर जाता हूँ, अब इसको लिखूंगा, ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, पुराना कोई नियम नहीं है, तो मैं इसको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर रिप वाला यूज कर रहा हूँ। तो राउटर रिप, राउटर का ओके, आई एम रेडी फॉर फ्रीडम, लेकिन आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे अपने जैसे लोगों के लिए, यानी वर्जन 2, ठीक है। और कौन कौन सा नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है, ये नेटवर्क आईडी है 1.0 और दूसरा है 3.0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने घर का है, हमें मालूम है हमारा सबनेट क्या है। दूसरा मैं लिखूंगा 3.0, जो भी काम करूंगा सेविंग करना, बहुत कितना आसान है। मैं सिंपली गया, राउटर को इंस्ट्रक्ट किया, राउटर रिप वर्जन 2, उसके बाद जो जो नेटवर्क को परमिशन है, क्योंकि दो नेटवर्क से मैंने दोनों को परमिट कर दिया, जो काम हमने LTTC के राउटर पे किया, सेम काम हमें दूसरे साइड के राउटर पे भी करना है। यहाँ पे भी लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क। अब इसमें कौन कौन सा नेटवर्क है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो यहाँ एक नेटवर्क है आपका 2.0 और ये दूसरा है 3.0, तो 192.168.2.0 और तीसरा आपका 3.0 डू राइट। अपने ही, ये फर्क नहीं पड़ता कि बाहर किस किस दुनिया में किन किन लोगों से जाके मिल रहे हैं, परमिट कर दो, यू कैन गो मेक ए फ्रीडम, मेक ए कम्युनिकेशन, ठीक है ना, आप कर सकते हो। जब हमने दोनों कर दिया, अब हम पैकेट अगर लेके भेजने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या होता है, फटाक से बिना देर के यहाँ पे कम्युनिकेट हो गया, जो भी आप देख पा रहे हैं। जिन जिन में आईपी होगा, इसमें इसमें आईपी है, इसमें नहीं है, लैपटॉप में इसमें आईपी है, ये कम्युनिकेट करेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देखो फटाक से कम्युनिकेट कर लिया, और ये फास्ट होता है क्योंकि आज़ादी थी। एक बार आप स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल करोगे तो वो उसमें वो बात नहीं आएगी, उतनी तेजी नहीं आएगी, फेलियर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका एक प्रोटोकॉल्स है, कल हमने स्टैटिक बताया, आज हमने डायनेमिक का एक प्रोटोकॉल रिप के बारे में बात किया, अपने कैंपस से बाहर की दुनिया में कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। ये जो प्रोटोकॉल है, जो रिप विद इन ए कंपनी, BSNL to BSNL के अंदर के जितने एम्प्लॉयज हैं या जितने भी कस्टमर हैं, रिलायंस के जितने अपने कस्टमर हैं, वो सब आपस में इंटरनली एक दूसरे को, इंडिया के अंदर सारे लोग एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करें, वो आपका रिप के द्वारा या OSPF के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ पे चलो अपना इंटरनेट मैंने BSNL से जोड़ रखा है, आप हो सकता है कि सामने रिलायंस, एयरटेल या वोडाफोन से जुड़े हैं, तो आप और हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो MPLS और BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो तो MPLS होता है, IGRP होता है। तो हर नियम बनाए गए हैं और सब नियम का एक ही उद्देश्य है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ वेरी सिंपल मैनर, एक तरीका है
एक परमिशन है कि हम एक जगह से दूसरे जगह कैसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये बात मेरी अभी समझ में आ गई होगी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना है, थ्योरी से नहीं रखना है, तो इसको आप करिए। और कल उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको करके आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों प्रोटोकॉल नहीं होगा तो लैपटॉप पे आप जूम ज्वाइन करेंगे, आपका स्क्रीन शेयर करेंगे और उसको ओके करेंगे। तो ठीक है आदित्य, कर पाओगे? क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हाँ डेफिनेटली, जी सर, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, उतना ही ले रहा हूँ ताकि आप लोग कर पाओ। ठीक है ना पिंटू, आपकी टीम एनआईटी टीम अटेंड, आपने बनाया यस या नो? आवाज नहीं आ यस रही, सर बनाया सर। तो कुछ राउटिंग किया वाला नहीं किया है सर, बाकी सर बनाया उसमें। हुआ है पहले भी? मैं नहीं सर, कल कल किया था और सर बाकी का प्रोजेक्ट इसलिए उसका कह रहा आज हूँ, ये किया देखो सर। सिर्फ 4 या 5 सेशन करना है, फिर आप वो प्रोजेक्ट बना पाओगे, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो और बहुत छोटे छोटे हैं, इसको करिए और मिल बांट के करिए, ताकि मैं प्रोजेक्ट का सिनॉपिस, जब इलेक्शन खत्म होगा 11/4 तो 12 या जो नेक्स्ट मंडे आएगा, तो नेक्स्ट मंडे में आपको सिनॉपिस मिल जाएगा, सिर्फ आपको बनाना होगा। और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पढ़ने वाला काम लगभग मैंने पूरा करने को करीब है हम लोग। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो फिर प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? ठीक है, और कुशागर कैसे हो, हाउ आर यू? सर बढ़िया, आप बनाया कैसे हैं? आपने, आपने कुछ बनाया कि नहीं बनाया? कर नहीं सर, स्टार्ट करना लेना, ठीक है है। हाँ ना। जी सर। ओके, गुड नाइट, सी अगेन हेलो टुमारो। सर, यस श्रीकांत, सर कल को सर ब्रेक मिल सकता है सर? तो क्लास अरे सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मिलो तो पूरा यहाँ तक होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कल ब्रेक है तो फिर मंडे को करेंगे हम लोग। ठीक है सर, मंडे को करते हैं सर, क्योंकि हाँ तो आप क्लास। लोग कर करिए, अगर मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, खुद भी कर लीजिए कि यू आर कंप्लीटेड एंड ओके। ठीक है ना, देखो आदित्य का तो मुझे टेंशन नहीं है, तो खुद ही रिपोर्ट बना के भेज रहा, तो उसका तो हो रहा है, लेकिन आपकी टीम का मेरी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप लोग पूरा करिए, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक तो सर कल होगी क्लास या संडे को होगी या है, मंडे को फिर? करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई प्रॉब्लम, ठीक आराम आराम है से करिए। लेकिन नेक्स्ट सेशन मिले तो ये मत कहिए मुझसे कि सर हुआ नहीं है, करके मिलिए, बहुत ज्यादा नहीं किया रहा है मैंने। ठीक है, सर, हम लोग का था प्लेसमेंट का इस वीक चल रहा था, इसी वजह से बहुत सारा क्लास मिस मैं हो क्या गया। करूँ, मैं इसीलिए तो ज्यादा मैं तेज नहीं दौड़ रहा हूँ, मुझे तो एक दिन लगेगा सारा खत्म करने में, फिर ऑफिस पकड़ा देंगे। तो आपको ध्यान में रखते हुए, और रात को इसीलिए दे रहा हूँ इतना टाइम, मुझे क्या, मैं तो बोल देता है 11 तारीख के बाद ज्वाइन करूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं ब्रेक करूंगा तो फिर अब सर तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करिए नहीं सर, 2 दिन में कोप अप कर लेंगे हम लोग सर। थोड़ा थोड़ा करके जाइए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।